आप लोग लेट आए हो वैसे। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और काम जो है इंशाल्लाह आगे करेंगे हम वाइज जमा मुजफ्फर मोहन से आपके, ठीक है। और इसके अलावा जो पिछला चैप्टर है अब पहले तो उनके हम रिवाइज करेंगे दोबारा, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर आपको सर फिर से रिपीट कर दें आपने क्या कहा। जो चैप्टर हम कर चुके हैं वो रीडिंग कर चुके हैं हम, उसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, समझेंगे आज के उस ब्लॉग में कि आपको समझ में आया क्या क्या समझ में आया, टेस्ट में आपने दिया था, ठीक है। तो सर मुजफ्फर मोहनिस कौन से क्या आज मैं आपको उस पे सॉफ्टवेयर पे रिजल्ट भेज दूंगा आज, ठीक है जी। हाँ बेटा, हेलो हेलो सर, हेलो आवाज आ रही है अभी? जी आ रही है सर। आप सर चले कहाँ गए थे? चलो ये नेटवर्क प्रॉब्लम में पता नहीं क्या है आजकल ये सही। अभी मैं सवालों के जवाब उसी चैप्टर को एक्सरसाइज को हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से इसको सर मुझे जो आप जो इंसाफ चैप्टर था उसका आखिरी वाला जवाब समझ में नहीं आया। आखिरी वाला जवाब समझ में नहीं आया था वो समझा दे। आखिरी वाला जवाब समझ में नहीं आया था, चलो मैं आखिरी वाला जवाब आपको मैं समझा देता हूँ कौन। अच्छा पहले तो हम शुरू से करते हैं, मश्क देख ले सुन ले। सैयद शकरला किथे जो काजी हो, सैयद शकरला किथे जो काजी हो, ये आपने ये मुझे जवाब दें। आवाज बहुत कम आ रही है अभी, आ रही है? सैयद शकरला किथे जो काजी हो, ये आप हाला जवाब दें ये जी बेटा। ईरान जी शहर शिराज मा हक सैयद शुक्र अल्लाह नारी बुकर में आए। हाँ ईरान जी शहर, ईरान जी शहर जो कादी हो, यानी ईरान सैयद शुक्र अल्लाह किथे जो कादी हो, ये ईरान जो शहर कादी नो हो, बकर शहर का कादी था ये तो ईरान शहर से तो आया था ना बेटा। अब ये इसमें आया लिखा है कि जय जमान में सिंध मिर्जा शाह हुसैन अर्गुन राज कंदो हो, उन वक्त सिंध जी गादी जो बकर हो, मिर्जा शाह हुसैन इलम इंसाफ जी गालियों बुधी, ईरान जे शहर शिराज मां एक सैयद शकरल नाले बकर में आयो, यानी ईरान के शहर से ये सैयद शकरल्ला नाम का बंदा आया था, फिर जो कादी जो बना वो इस बखर शहर बखर का बना, कादी जो बना कहाँ का बखर में बना आके, ठीक है। वो पूछ रहा है कि कहाँ का काजी था, कितने जो काजी हो कहाँ का काजी था, ठीक है, समझ में आ गया जी बेटा? आ गया ना। अच्छा दूसरा सवाल, घोड़न जो सौदागर वाट्स वटस केड़ो फरियाद खणी आयो, सर आंसर वापस बता दे। सर काजी, घोड़न जो सौदागर वटस केड़ो फरियाद खणी आयो ये बताएं सर काजी, ये लाचार थी हो शही जी, सर मैं बताऊं सर आपकी आवाज कट रही है, सर मैं बताऊं अब सही है सर आवाज कम आ रही है सर, इसका आंसर क्या लिखेंगे? लाचार थी हो शही जी काजी वठन वही फरियाद थी हो, सर सर जो सौदागर है वो लाचार होकर काजी के पास गया था अपनी फरियाद उसको बताने के लिए, तो जब उसने बताया तो काजी ने सोचा कि वो बादशाह को अदालत में बुलाए। हाँ, तो अब इसको सिंधी में कैसे लिखेंगे? मकसद थोड़ा शॉर्ट करें तो ये घोड़ों का सौदागर जो था वो बिजनेस में घोड़ों के जो बेचने आया था, तो वो बादशाह को जो है पैसे न देने की, बादशाह पैसे न देने की फरियाद लेकर आया था, फरियाद खणी आयो घोड़न जो पैसा न देने की फरियाद खणी आयो, ठीक है। छोटा सा सवाल लिखना है, जवाब इतना लंबा इसको करना ही नहीं है ना, करना क्या है कि जवाब छोटा बादशाह तरफ है। एक मिनट यहाँ पर मैं, अब आवाज आ रही है अब सही है? हाँ अब सही है। हाँ अब ये मैं वो कैमरा ऑन करता हूँ, आवाज साफ आ रही है, कैमरा जो है साफ नहीं आ रही कैमरा जब मैं वीडियो ऑन करता हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताएं अभी सर बस कैमरा का मसला, ये बाकी सब कैमरा ऑन कर दें, बाकी भी जितने हैं ऑन कर दें बेटा, ये आप सब नजर आए क्योंकि ये शाबाश सर आप आंसर तो बता दे सेकंड का, जिसके कैमरे खराब हैं वो बनवाएं बेटा, ठीक है ना।
अच्छा ओके, ये बताएं बेटा अभी मुझे, अच्छा ये आपको समझ में आ गया दूसरा सवाल का जवाब? दूसरे सवाल का जवाब समझ में आ गया, घोड़न जो सौदागर वटस केड़ो फरियाद खणी आयो, यानी घोड़न जो सौदागर बादशाह के पैसे न देने की, बादशाह की तरफ से घोड़ों के पैसे न देने की फरियाद लेकर आया, ठीक है ना, बादशाह तरफा घोड़न जी पैसा न देने की फरियाद खणी आयो, ठीक। इसकी मशक मैं आपको दोबारा दे दूंगा, आप अपनी तरफ से ये सवालों के जवाब लिखने की कोशिश करें, ठीक है ना, ये आपके सवालों के जवाब आप खुद लिखने की कोशिश करें, मैं लास्ट जो ब्लॉक आएगा उसमें आपकी ये मशक देखूंगा इस चैप्टर की, ठीक है। दोबारा मैं पेपर पैटर्न बता दें, पेपर पैटर्न यही होगा बेटा आपके, पहले जुमले बनाना नहीं है, पेपर पैटर्न सुने, पेपर पैटर्न आपके हाँ एमसीक्यू से आएंगे, अगर आपने हमने रिटन में पेपर दिया इस जूम मीटिंग के अलावा तो पेपर पैटर्न यही होगा कि आपकी एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज के आपके सवाल जवाब होंगे, लफ्ज जुमले होंगे, ठीक है, और वाइज जमा मुज़क्कर में लफ्ज़ होंगे, और हो सकता है आप यही पेपर पैटर्न है आपका जी। जी बेटा हाँ ठीक है, इसी चैप्टर से आपके सवाल जवाब आए, आज जब हम मुदक्किर मोने आवाज नहीं आ रही आपकी, कौन है जी बेटा? फाइक आपको समझ आ रही बेटा बातें? फाइक जी सर हाँ बेटा, आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, बाद में आप थोड़ा सा पूछ लिया, अगर टाइम ज्यादा देके खामोश न रह करें तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा थोड़ा सा टाइम, हर जब भी ब्लॉक होगा ना मैं आपको 5-10 मिनट आपको यानी उसी ब्लॉक में टाइम दूंगा, पूछूंगा सवाल जवाब, वो काम भी थोड़ा सा दूंगा तो उसको आप अच्छी तरह से समझें, ठीक है ना बेटा? तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे आप, इसमें परेशान ना हो, सिंधी बहुत इजी पेपर होता है, थोड़ा सा टाइम देने का मसला होता है, जो बच्चे थोड़ा सा टाइम देते हैं तो वो समझ जाते हैं इंशाल्लाह जल्दी में, आप परेशान कभी ना होना, इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा जी, ये चौथा सवाल है, ये मिर्जा शाह हुसैन के काजी अदालत में छोक घुरायो, तीसरा मिर्जा शाह हुसैन के काजी अदालत में छोक घुरायो सर इंसाफ देने के लिए, हाँ कौन बात, फबिया फबिया जी सर, हाँ जी बेटा, इंसाफ देने के लिए यानी मिर्जा इसलिए बुलाया कि उसको क्या नाम, घोड़ों के सौदागरों को, तो ये सिंधी में कैसे लिखेंगे? सिंधी में घोड़न जे सौदागर के पैसे न देने के करे, घोड़न जे सौदागर की आवाज कट रही है, एक मिनट सर, बिल्कुल सही आ रही, इनका नेट का मसला हो रहा है, नेट का मसला है बेटा हर जगह, हमारे पास भी आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बस कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके पास। अच्छा घोड़न जी सौदागर जे पैसे न देण जे करे मिर्जा शाह हुसैन के काजी अदालत में घुरायो, घोड़न जा पैसा, घोड़न जी कीमत न देण जे करे, ये आपका ये है ना, घोड़न जी कीमत न देण जे करे मिर्जा शाह हुसैन के काजी अदालत में घुरायो, ठीक है, ये आप लिखने की कोशिश खुद करेंगे पेंसिल से सारे सवालों के जवाब, और उसके बाद मैं भी आपको सवाल की अगले उसमें दे दूंगा, यहाँ स्क्रीन शॉट पे ना वो शेयर कर दूंगा, उस पे स्क्रीन पे शेयर करूंगा वो सवालों के जवाब, फिर आप टैली कर लेना, फिर आप इंशाल्लाह वो टैली करके फिर वहाँ से अपने सवालों के जवाब से वहाँ फिर लिख लेना कॉपी पे पेन से, पहले पेंसिल से लिखेंगे आप, ठीक है बेटा? अच्छा ये अभी काजी केड़ो फैसलो दिनो, काजी केड़ो फैसलो दिनो ये मुझे बताए, ये कामरान काजी केड़ो फैसलो दिनो जी सर, काजी केड़ो फैसलो दिनो सर, कौन सा काजी फैसलो दिनो मिर्जा शाह हुसैन जो है घोड़न जे सौदागर के पांजी कीमत अदा करे, ठीक है, काजी फैसलो दिनो त मिर्जा शाह हसन घोड़न जे सौदागर के कीमत अदा करे, दोबारा दोहराऊं सर, पेपर में क्वेश्चन आंसर भी होंगे सर, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं? ये चौथा दाल
काजी केड़ो फैसलो दिनो जी बेटा हाँ मैं आपसे पूछ रहा था काजी केड़ो फैसलो दिनो असन ये सवाल नंबर 4 है काजी फैसलो मैं आपको जवाब बता रहा हूं मिल गया ना हन फैसलो दिनो बादशाह सौदागर के गोरिन जी कीमत वापस करे या शाबाश वेरी गुड जैसे लिखना था फैसले का पो हुन मिर्ज़ा शाह शाह हसन के छाते हो फैसले का पो हुन मिर्ज़ा शाह हसन के जनन होयो मखान फैसले का पो हुन मिर्ज़ा शाह हसन के छाते हो भाई हमने हाँ वो कौन बताएगा बुशरा बताए बुशरा कौन सा क्या सो रही हो तुम बुशरा तुम ये सवाल नंबर 4 है बेटा फैसले का पो फैसले के बाद उसने मिर्जा शाह हुसैन के छा चयो उसने मिर्जा शाह हुसैन को क्या कहा अच्छा ये हाँ वो आ रहा है समझ में ये इसका सवाल का जवाब आखिरी आखिरी इसी इसी पेज पे पेज नंबर 15 पे बादशाह सलामत इंसाफ के लिए जरूरी हो था माँ उहां की अदालत में घर आना जी जी जदन उहां अदालत में आया तदन इंसाफ के लिए उहां जो फरियादी था गदी हाँ यानी बीहण जी जरूरी समझ हाँ जैसे फैसलो थी चुको है तरें हुआ मथा जा मथा ही जाए अमाला आए माँ खादिम आया यानी जब फैसला हो चुका तो ये सही है वेरी गुड बेटा इनमें से आपने लिखना है इसमें शॉर्ट करना है ये तो बड़ा सवाल है जवाब ना अब आपने ऐसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ जब फैसला हो चुका तो काजी ने मिर्जा शाह हुसैन को कहा कि मैं मथा ही जाए अमाला आए माँ खादिम आया समझ में मथाई जाए अमाला आए माँ खादिम आया सेकंड लास्ट के 2 वर्ड और आखिरी जो आधी लाइन है ना वो जी जी बेटा बुशरा फबिया हाला हसन समझ में आ गया नहीं सर नहीं समझ में आया हाँ गया आखिरी नहीं सर भाई इधर सवाल नंबर फाइव के का जवाब मैंने पूछा था कि फैसले का पो उन्हें मिर्जा शाह हसन के छा चयो यानी क्या कहा उस कादी ने उसने उसने बुशरा ने बता दिया कि वो उसने कहा कि जब बादशाह सलामत इंसाफ ला जरूरी हो तो माँ अवा के अदालत में घुराया यानी अवां अदालत में आया तद इंसाफ ला अवां जो फरियादी सां गड बीहण जरूरी समझम हाँ जैसे तो फैसलो थी चुको है तरह हुए मथा ही जाए अवां लाए आए मां खादिम आया ठीक है अब आपने लिखना है यहाँ से एक मिनट समझो आपने लिखना है सेकंड लास्ट लाइन एक आधी लाइन नीचे वाली पेज नंबर 15 पे और जो उसके ऊपर हाने से लेकर हाने जने तो फैसलो थी चुको है तरह हुए मथा ही जाए अवां लाए आए मां खादिम आया यहाँ से लिखना है सवाल को फॉलो करना है अपने सवाल को फॉलो कैसे करना है ये करना है कि फैसले का पो उन मिर्जा शाह हुसैन के छा को काटना है छा खत्म करके ऐसे लिखना है मिर्जा शाह हुसैन के चयो त फैसलो हाने जने त फैसलो थी चुको है तने हुए मथा ही जाए अवां लाए आए मां खादिम आया ये लिखना है ठीक है जी बेटा आ रहा है समझ में ये सब खोले अपनी वीडियोस बंद क्यों किए दोबारा क्यों बंद कर ली भाई वीडियोस खोल लें शाबाश जी बेटा आ गया समझ में जी आ गया सर हाँ जी सर
अच्छा लुबाब आप भी बात करें बेटा, आप कुछ आपको समझ में आ रहा है? लुबाबा लुबाबा आशिर सही था, लुबाबा आशिर बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है अच्छा चलो जुमले आप जी बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा यहाँ पर तो इसलिए मसला हो रहा है जी। आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है बेटा? हाँ नेट पर प्रॉब्लम है। अच्छा ये आप ये आपको अभी आपने ये क्या करना है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही सही, क्लियर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है सर, सर अब सही है। अभी आपने जुमले करने, पहला जुमला बताए कौन पढ़ेगा? पहला जुमला क्या है? पहला जुमला राज लफ्ज में मुनासिब लफ्ज चूंडे खाल भरियो नहीं सॉरी एक मिनट सर, राज वो राज का मतलब हुकूमत होता है। नहीं जुमले राज हेठन लफ्ज जहाँ माना लिखो है जुमलन में कमाने, राज राज मीन्स कौन बताएगा? हुकूमत, वेरी गुड। अच्छा हाँ हुकूमत राज की माना कौन जुमला बनाएगा? कोई उर्दू में जुमला बनाए फिर सिंधी में बनाने की कोशिश खुद करेंगे हम, तब छोटा सा जुमला बनाओ उर्दू में। सर हिंदुस्तान पर पहले मिर्जा शाह हसन बताएं हाला बताओ उर्दू में बताओ, छोटा सा जुमला हो लंबा ना हो, क्योंकि जुमले के बेटा मार्क्स बस मोहना जुमले की और जो जुमले की हिंदुस्तान पर पहले मुगलों का राज था। हाँ आवाज कितनी आ रही है? हाँ सॉरी बहुत। हाँ अच्छा ये छोटा सा जुमला अभी शाह हुसैन बखर थे बखर में राज कर, हाँ बखर में राज में वो अभी इसके आप सवाल ये है ना सिंध थे राज कद हो आप लिखेंगे यानी सिंध थे मिर्जा शाह हुसैन सिंध थे राज कद हो, सिंध थे राज कद हो ठीक है। अच्छा सांगे, सांगे मीन्स सांगे की क्या माना है बेटा? आपने चैप्टर सुना अच्छी तरह से? सर आपकी आवाज कटती है, सर आपकी आवाज बहुत कटती है सर। इरादे सर आप फिर से रिपीट कर दे क्या कह रहे थे? अच्छा अभी आ रहे सांगे मतलब अब सही है सर, सांगे मतलब इरादे। नहीं सर कम आ रही है, कम आ रही अभी आ रही। सांगे मतलब ख्याल इरादे, इरादे वापस इरादे वेरी गुड बुशरा इरादे सही है। सांगे मीन्स इरादे, सांगे मीन्स इरादे जी। सर आज के सर आपने राज का क्या बताया था? राज मीन्स हुकूमत, मिर्जा शाह हुसैन सिंध ते राज कंदो हो जय जमाने में, ये तो पूरा सवाल है ना। आप शॉर्ट करके थोड़े वर्ड लिखने जो आपकी माना निकले और जो जुमले की सही तरीके से और ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल जो है ना वो जुमला सही होना चाहिए बस। मिर्जा शाह हसन सर सांगे का जुमला, सांगे का जुमला मिर्जा सांगे मीन्स इरादे सा आयो इरादो सही है। मिर्जा शाह हसन बखर में व्यापार जे सांगे आयो सही है। मिर्जा शाह हुसैन वापार जे सांगे आयो, हाँ
मिर्ज़ा शाह हुसैन व्यापार के सांगे बखर में व्यापार के सांगे आयो ये जुमला। अब इसकी उर्दू आप कौन करेगा? ना करें। मिर्ज़ा शाह हसन बुकर में व्यापार के इरादे से आया। व्यापार के इरादे से आया, सही है। अच्छा ये सब ये जवाब हो गया। अच्छा सौ सीधा, वेरी गुड। सौ मीन्स सीधा। इसका आप हाला इसका जुमला सौ की जो है जुमला बनाए उर्दू में। जी बेटा आला बनाए उर्दू में सौ का उर्दू में बनाए तो फिर सिंधी में हम बनाए की सब कोशिश करेंगे। छोटा सा जुमला बनाए सौ मीन सीधा। मैं बनाऊं? हाँ जी बनाओ। मिर्ज़ा शाह हसन बे को सनो जवाब ना मिली। हाँ मिर्ज़ा शाह हसन के सौ जवाब ना मिलियो। ना मिलियो हाँ वो तो इजी हो गया। ये तो उर्दू सिंधी एक ही। मिर्ज़ा शाह हुसैन खे को मीन्स खे मिर्ज़ा शाह हुसैन खे सौ जवाब न मिला न मिलियो सिंधी बन गया। ठीक है हाँ बेटा मिर्ज़ा शाह हुसैन के सौ जवाब न मिलियो। मिर्ज़ा शाह हसन को कोई सीधा जवाब न मिला। हाँ न मिला बस। इसकी सिंधी कैसे बनाएंगे फिर? ऐसे ही मिर्ज़ा शाह हुसैन खे सिद सौ जवाब मिर्ज़ा शाह हुसैन खे सौ जवाब न मिलियो। हाँ और आगे कौन सा जो लावर्ड आच मीन्स हाँ कौन बताएगा? आच की खड़ा खड़ा आच करण सर खड़ा नहीं और कोई बताए जी बेटा और कोई बताएगा क्या चीज सर? आच नहीं। आच की माना नहीं तो नहीं। अच्छा, अच्छा ये वर्ड आप एक मिनट काजी आप आपका जुमला बता दूं आप बुक से। काजी अबद अदब लाए न पांजी जाए ता उठ्यो न वरी खेस विहन लाए आच कयाई। बैठने हाँ। बैठने न अदब के लिए उनके लिए उठा नहीं उसको उसको यानी इनवाइट की बैठने की दावत दी। बैठने की दावत देना बैठने को किसी को कहना। अच्छा अच्छा जी बेटा कौन बताएगा इसका जुमला बनाए? कौन जैनब अदीना जैनब बताए बेटा। जी आवाज नहीं आ रही भाई क्यों क्या हो गया? हेलो आ रही है ना आ कोई बात करे बताए भाई। हाँ इसका जुमला बनाए आज जी। आज बिना किसी को दावत देना किसी चीज के लिए
यानी हाँ देना पता है देना बेटा देना बताओ देना नहीं बता रही और कोई बताए हाँ और कोई बताए हेलो जी जी वापस आ गए आ गए वापस और कोई बताए सर आप बता दें मैं आज अच्छा ये इसका मैं बता रहा हूँ कि यानी अभी उर्दू में पहले बता रहा हूँ ठीक है मिर्जा शाह हसन के वेण जी आछ कई वेण लाए आछ कई होते तो ना है ना नहीं की ठीक है हम उनको उसमें उसको आकारी में यानी लेते हैं उसको आछ कई मिर्जा शाह हुसैन ने काजी ने मिर्जा शाह हुसैन को बैठने की आछ कई यानी बैठने के लिए बैठने की दावत दी बैठने की दावत दी अब की सिंधी क्या करेंगे काजी ने मिर्जा शाह हुसैन को बैठने की दावत दी ठीक है अब सिंधी में करेंगे काजी मिर्जा शाह हुसैन के वेहण लाए आछ कई काजी मिर्जा शाह हुसैन के वेहण लाए आछ कई आवाज आ रही है अभी यस सर आ रही है हाँ अच्छा कई ठीक है अच्छा ये आप मुझे बताएं कुछ बच्चे जो नहीं आ रहे अल्लाह वगैरह सब जो भी हैं ये आप फिर आपता है इनका क्यों नहीं आ रहे सर मैंने आला से पूछा था वो कह रहे हैं उनके घर में कुछ नेट इश्यूज चल रहे हैं तो इससे वो निकाल बंद कर पाए सर वो कह रहे हैं सर लाइट जाती है क्या कह रही है नेट इश्यूज भी चल रहे हैं लाइट भी नहीं होती इसके घर में अच्छा अच्छा लाइट चल जाती है सही सही अच्छा मथा ही एक वर्ड आखिरी मथा ही मींस ऊपर मथाई मीन्स ऊपर अच्छा आज आप ये जुमला बुक से हटकर हम बनाएंगे ये जुमला कोई भी जुमला बुक से हटकर कोई बताए मथाई मीन्स ऊपर वाली अच्छा मथाई की असल वर्ड है ऊपर वाली जैसे ऊपर वाली मथाई जाए ऊपर वाली जगह आप ये आप इसका जुमला हटकर उर्दू में बनाएं बुक से छोड़कर हाँ बुशरा बनाएं बेटा